हेलो मैं ऑल ब्यूटीफुल चिल्ड्रेन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। नो मोर मस्ती। हाँ, आप लोग का क्लास टू का है चैप्टर टू, पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। इसके पहले बच्चों मैंने आप लोग को क्लास फर्स्ट पढ़ा दिया है। अगर आप लोग ने वो वीडियो मिस कर दिया है, नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट में जाके क्लास टू में आप जाएंगे तो आपको चैप्टर फर्स्ट मिल जाएगा। ठीक है, पहले आप उसे देखिएगा, उसके बाद आप चैप्टर टू पे आइएगा। ठीक है, ये क्लास टू का सेशन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर टू, पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर के भाग। ठीक है, कंप्यूटर के कई पार्ट्स हैं, कंप्यूटर कई पार्ट्स से मिलकर बना होता है ना, सिंगल एक किसी एक पार्ट से तो बना नहीं होता है। मॉनिटर, सीपीयू, सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आइए जानते हैं डिटेल में। अ कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स, कंप्यूटर कई सारे भाग से मिलकर बना होता है। दीज पार्ट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, और ये जो पार्ट्स हैं ये अलग अलग तरीके के कार्य करते हैं। फंक्शन का मतलब यहाँ पे पार्टी वाला फंक्शन नहीं है, यहाँ पे फंक्शंस का मतलब है काम से। ठीक है, दे टुगेदर मेक अप अ कंप्यूटर सिस्टम, ये एक साथ सारे जो पार्ट्स हैं ये एक साथ मिलकर एक कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। ठीक है बच्चों, लेट अस डिस्कस द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, आइए डिस्कस करते हैं कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स के जो काम है उसको, उसके बारे में जानते हैं कि कौन सा पार्ट कंप्यूटर का क्या काम करता है, उसका यूज़ क्या है। ठीक है, मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जो मेन पार्ट्स हैं उसके बारे में नीचे बताया गया है, देखते हैं कौन कौन से हैं। अ कंप्यूटर हैज़ फोर मेन पार्ट्स, कंप्यूटर के जो चार पार्ट्स हैं, जो चार भाग हैं वो मुख्य हैं। कौन कौन सा? पहला है मॉनिटर, दूसरा है कीबोर्ड, तीसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स यानी सीपीयू, और चौथा है माउस। ये जो चारों पार्ट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या? मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, आइए देखते हैं, यहाँ पे बताया भी क्या है। ये है आपका मॉनिटर, ठीक है, ये जो है क्या है, मॉनिटर है। ये आपका कीबोर्ड है, ये आपका माउस है छोटू सा, और ये है आपका सीपीयू। ठीक है, कंप्यूटर के बगल में एक रखा रहता है ना बॉक्स, ये क्या होता है? सीपीयू होता है। और यहाँ पे जुड़ा होता है जो जिस पर टाइप करते हैं वो क्या होता है? कीबोर्ड होता है। और माउस जिससे हम पॉइंटर को इधर उधर करते हैं, क्लिक करते हैं, है ना। चलिए देखते हैं, सबसे पहले जानते हैं मॉनिटर के बारे में। मॉनिटर क्या होता है? अ मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन, ये देखिए आपका मॉनिटर है, ये कैसा दिख रहा है? टीवी स्क्रीन की तरह दिख रहा है ना। वॉट एवर वर्क वी डू ऑन अ कंप्यूटर इज डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर, हम कंप्यूटर पे जो भी वर्क करते हैं वो इस स्क्रीन पे दिखता है, और इस स्क्रीन को क्या बोलते हैं हम? मॉनिटर। ठीक है, अ मॉनिटर इज ऑल्सो कॉल्ड VDU, मॉनिटर को हम VDU के नाम से भी जानते हैं। VDU का फुल फॉर्म क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VDU बोले तो V फॉर विजुअल, D फॉर डिस्प्ले, U फॉर यूनिट। ठीक है, अब देखते हैं ब्रेन बॉक्स में क्या है, ये भी जानना ज़रूरी है। ऑन लैपटॉप द मॉनिटर इज नोन एज द स्क्रीन, लैपटॉप पे मॉनिटर किसे कहते हैं? जो स्क्रीन होती है उसको हम कहते हैं, उसको मॉनिटर के उसमें जानते हैं। ठीक है, जो स्क्रीन होती है उसे हम एज अ मॉनिटर जानते हैं लैपटॉप पे। अब आ गया आपका CPU, CPU stands for Central Processing Unit, CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? Central Processing Unit, CPU का फुल फॉर्म Central Processing Unit, याद रखना आप लोग। ठीक है, इट डज ऑल द थिंकिंग व्हेन वी वर्क ऑन अ कंप्यूटर, ये थिंक करने का काम करता है, सोचने का काम करता है। जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो थिंकिंग का काम कौन करता है? CPU। इट कंट्रोल्स द अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स को क्या करता है? जो अन्य पार्ट्स हैं उसको कंट्रोल करता है। सो इट इज़ नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इसलिए CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। किसको? CPU को। अगर आप लोग से कोई पूछे कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन कौन है, तो क्या बोलेंगे आप? CPU। ठीक है, CPU को एक बार आप अच्छे से देख लीजिए,
CPU is always kept inside a box known as CPU box. CPU जो CPU होता है वो CPU ये क्या है आपका CPU box है, इसके अंदर CPU है, ठीक है. Different buttons and parts on the CPU box are. CPU box में कई सारी buttons होती हैं अलग अलग, ठीक है. ऑन ऑफ स्विच बटन, ये जो दिख रही है ना सब बड़ी सी, ये क्या है, ऑन ऑफ स्विच बटन्स है. USB ड्राइव्स जिसमें USB लगाते हैं, जो USB का केबल होता है, जो तार नहीं होता है उसे लगाते हैं. रीस्टार्ट बटन भी USB में होता है. पॉइंट्स टू कनेक्ट अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. CPU में यहाँ पे देखिए होता है ना, जिसमें हम कई सारे जो होता है पॉइंट्स उसको कनेक्ट कर सकते हैं, मानी कई सारे पार्ट्स को कनेक्ट कर सकते हैं. CD DVD ड्राइव भी CPU में लगता है, ठीक है. ये है आपका CPU, इसे कहते हैं कंप्यूटर का ब्रेन, ठीक है. चलिए अब देखते हैं ब्रेन बॉक्स में क्या है. ब्रेन बॉक्स में है अ CPU कैबिनेट has different points that connect to other parts of the computer. These points are known as ports. CPU में जो अलग जो other parts है computer के, उसको connect करने का जो portion होता है, जहाँ पर हम plug in करते हैं, उस point को हम क्या कहते हैं, ports कहते हैं, ठीक है. आइए आगे देखते हैं. अब आ गया आपका keyboard. ये है आपका keyboard. See, आप सब ने देखा होगा कीबोर्ड, है ना. चलिए इसके बारे में जानते हैं. क्या है कीबोर्ड? अ कीबोर्ड लुक्स लाइक अ टाइपराइटर. कीबोर्ड कैसा दिखता है? जैसे टाइपराइटर की तरह. इट इज़ यूज टू एंटर इन्फॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर. कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को एंटर हम किसके माध्यम से करते हैं? कीबोर्ड के द्वारा करते हैं, ठीक है. कीबोर्ड पे टाइप करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन, तभी तो कंप्यूटर को इनपुट मिलता है, ठीक है. इट हैज़ मेनी बटन्स ऑन इट कॉल्ड कीज. कीबोर्ड में कई, ये आपका कीबोर्ड है, इसमें कई सारी बटन्स हैं, इसे हम क्या कहते हैं, कीज. एक जो सिंगल बटन है वो क्या कहलाएंगे, कीज, ठीक है. देयर आर मोस्टली 104 की ऑन अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड. ज़्यादातर यानी अधिकतर जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है उसमें कितनी कीज होती हैं? 104, 104, ठीक है. ध्यान रखना आप लोग, कीबोर्ड में कितनी बटन्स होती हैं, ज़्यादातर कीबोर्ड में 104, ठीक है, 104. द मेन कीज ऑन अ कीबोर्ड आर एज फॉलोज. जो मेन की होता है कीबोर्ड का, उसके बारे में जानते हैं. कौन कौन सी कीज़ हैं? अल्फ़ाबेट की, जो ए से लेके जेड तक लेटर्स होते हैं, जो कीज़ होती हैं उसे कहते हैं हम अल्फ़ाबेट की, ठीक है, ए से लेके जेड तक. नंबर की, नंबर की क्या होता है, जो ज़ीरो से लेके नाइन तक कीज़ होती हैं उसे कंप्यूटर में, वो होती हैं आपकी नंबर की, ठीक है. वो क्या होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0 होता है, ठीक है. स्पेस बार, ये जो आपकी सबसे लंबी की है ना, ये है आपका स्पेस बार. जब हम कोई वर्ड टाइप कर लेते हैं उसके बाद उसके बीच में गैप देने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्पेस बार का, ठीक है बच्चों. उसके बाद है डिलीट की. यहाँ पे आपका होता है डिलीट की, ये है आपकी डिलीट की, ठीक है, ये है आपकी डिलीट की. बैक स्पेस की, ये है आपकी बैक स्पेस की, ठीक है, ये आपकी क्या है, बैक स्पेस की, ठीक है. आप लोग को समझ में आ गया होगा, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं. आइए देखते हैं ब्रेन बॉक्स में क्या है. राइटिंग ऑन अ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड टाइपिंग. कंप्यूटर पे जब हम कुछ भी लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं टाइपिंग, ठीक है. अगर आप कीबोर्ड से कोई डेटा फीड करते हैं तो क्या कहते हैं कि टाइपिंग कर रहे हैं, ठीक है. आई होप आप लोग को पूरा लेक्चर समझ में आया होगा. अगर आप लोग को कहीं कोई दिक्कत आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा ज़रूर, ठीक है. और अगर आप लोग को लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो. और आप लोग कब एक एक चैप्टर में कंप्लीट कराऊंगी, आप लोग को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. आप कंटिन्यूस चैनल को विज़िट करते रहिए. आज सेकेंड चैप्टर का अभी दूसरा पार्ट नेक्स्ट डे डिस्कस करूँगी, ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी. Be happy, stay healthy, stay safe. Have a good day. Bye-bye.